अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो है दूसरा लेक्चर है हमारा। आज जो हम जो है बात कर रहे थे कि इंटरव्यू की जो है वो आपने प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है, तो प्रॉपर हमने जो है वो सीरीज स्टार्ट की है। दूसरा जो है आज हम बात करेंगे कि जो ड्रेसिंग है वो कितनी मैटर करती है और आपने कैसे कैसे जो है वो करनी है। सबसे पहले मेल की ड्रेसिंग की बात करते हैं। ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंपैक्ट डालती है इंटरव्यू के ऊपर। मेल की ड्रेसिंग की बात करें तो आपने जो व्हाइट सूट यूज़ कर सकते हैं, ऊपर जो है वेस्ट कोट यूज़ करेंगे, ब्लैक नीचे जो है आप शूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, खेड़ी चप्पल जो आती है उसको भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेल्स की हम बात करें तो आपने ड्रेस पैंट शर्ट यूज़ करनी है। इसके अलावा बेल्ट और जो शू कलर आपका वो मैच करना चाहिए। इसके अलावा शर्ट जो है वो डिज़ाइनिंग वाली नहीं होनी चाहिए, सिंपल शर्ट होनी चाहिए। तो साथ टाई लगानी है, टाई वाली जो पिन होती है जिसको हम लगाते हैं वो आपने हर सूरत यूज़ करनी है, उसके बगैर टाई जो है वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं जी फीमेल्स की। हम बात करें तो उसमें जो है फीमेल्स ने कोशिश करनी है कि जो एक आम तौर पे जो रूटीन में ड्रेसिंग करती हैं, कोशिश करनी है कि जो फीमेल जो है वो हिजाब करती हैं वो हिजाब करके जाएं, और साथ जो है वो जो आप हिजाब वगैरह यूज़ करेंगे उसका कलर जो है वो डार्क होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है लाइट जो नहीं होना चाहिए, रेड वगैरह या येलो वगैरह। तो इसके अलावा आप कपड़े यूज़ कर सकती हैं आम तौर पर, और बाकायदा तौर पर जो है वो कोशिश करनी है कि जो हिजाब करती हैं वो हिजाब में ही जाएँ, उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है वो आमतौर पर जो फीमेल नहीं हिजाब करती तो उनके लिए वो भी जो है वो कोशिश करें कि सार वगैरह ढांपा हो आपका, तो प्रॉपर जो है वो ड्रेसिंग करके जाएं साथ जो है वो। बस इसमें फीमेल्स के लिए कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जो है वो एक कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तो इसके अलावा जो है वो ड्रेस जो है वो आपका लाइट कलर का नहीं होगा, कुछ जो है कोशिश करनी है डार्क कलर्स ही जो है वो आप यूज़ करें, क्योंकि जैसे रेड येलो वगैरह हो गया तो ये अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यू के ऊपर जो है वो नहीं डालती। तो ये ड्रेसिंग की बात होगी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें मज़ीद में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है जो किन किन चीज़ों का जो ख्याल रखना है और प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। मज़ीद जो जितनी भी इसमें चीज़ें होंगी उनको मज़ीद देखेंगे।